काफ़ी खूबसूरत इस बेनुवन को बना दिया गया है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग इसको एंजॉय करने आ रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी चीप रेट में, सोच लिए मात्र 20 रुपये की टिकट लगती है यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं हमारा नीचे से एक रास्ता क्रॉस किया जो शायद राजगीर का एक रूट है, और हम लोग ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। आप हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग एक पुल पर है, नीचे आप देख पा रहे हैं कि एक रास्ता है, और इस रास्ते से आने जाने के लिए लोगों के लिए बनाया गया, यहाँ से गाड़ियाँ आई आती जाती है। हम लोग अभी उस पुल पर हैं और यहाँ से एक सुंदर सा एक पार्क में हम लोग फिर एंट्री करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं मुझे, तो काफ़ी खूबसूरत एरिया है ये बेनुवन। आप जब यहाँ पे आए हैं, हम लोग इस रास्ते से क्रॉस होके आए हैं, और ये काफ़ी ज़बरदस्त एरिया हो चुका है बेनुवन। तो जब भी आप यहाँ पे आए हैं तो बेनुवन घूमना ना भूले। कमलेश बच्चों के लिए जो बनाया गया है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि वो इस जगह पर ज़रूर आएँ। आने वाले कल में बहुत ज़बरदस्त ही टिकट का व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ओ माय गॉड, बच्चों के लिए, हाँ ये बच्चों के लिए ही बनाया गया, जब जिस पर मैं अभी खड़ा हूँ वह स्पंज कर रहा है। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये पे। तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम पर्यटक जब भी राजगीर आ रहे हैं तो आप ये जो खूबसूरत नज़ारा मिस ना करें। आपके बच्चे जो यहाँ पर आएंगे काफ़ी इन्जॉय करेंगे, और ख़ास करके संध्या के समय या सुबह के मॉर्निंग के समय में आया जाए तो लाजवाब होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी बात कि आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे ठंड में घूमने का ये ज़बरदस्त जगह है, जैसे आप यहाँ पे हमारा गर्म जल है तो ठंड का अलग ही मज़ा है। तो नवंबर तक मानते हैं कि ठंड का मौसम कुछ कुछ आ जाएगा और पर्यटक यहाँ आना काफ़ी शुरू कर देंगे, तो इन जगहों पर काफ़ी भीड़ देखा जाएगा, और ये जगह काफ़ी ही आने वाले कल प्रचलित होने वाला है। आप देख पा रहे हैं कि जो बच्चों के लिए व्यवस्था दिया गया है, एक घूमने का ये जो जगह बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत जगह बच्चों के लिए। इधर देखे पीछे झूला, अरे वाह, कहाँ से आई हुई आप? बिहार से। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही है ना? हाँ। और कहाँ कहाँ घूमी? अभी सिर्फ यहाँ। अरे रे, ग्लास ब्रिज नहीं गई अभी? क्या नाम है आपका सर? अच्छा, चलिए चलिए। और सुनाइए कैसे हैं? बढ़िया, बिहार सिर्फ चाहे हुए आप? पार्ट टू करके देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह, काफ़ी खूबसूरत जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस एरिया को काफ़ी खूबसूरत बनाया गया करके अभी हम जहाँ हैं, ये बेनुवन से जुड़ा हुआ एक पार्क है जो खासकर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप जब आएँ तो फुल फैमिली इस जगह पर जरूर आए। मात्र 20 रुपये की टिकट है और काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं आप। तो मैं आपको इसकी और भी खूबसूरती मैं दिखाऊँगा, खास करके बच्चों के लिए। आज बच्चों के लिए एक विशेष वीडियो बन पा रहा है, और हम लोग जिस जगह पर हैं आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जितनी भी चीज़ें इस पार्क में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो लगभग तमाम चीज़ें बच्चों के लिए है, और बच्चे काफ़ी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। खूबसूरती चारों तरफ जो खूबसूरती बनाई गई है बच्चों के लिए स्पेशल बनाई गई है, एक लाजवाब इतनी खूबसूरती यहाँ पे है कि हम लोग खुद विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम लोग आज तक इसको देख नहीं पाए थे। और हम लोग बस सोच पा रहे थे कि जो बेनुवन है एक छोटा सा तालाब, हम लोग वहाँ देखेंगे, झूला का सैर करेंगे और वापस चले जाएंगे। इसके बारे में हमें पता ही नहीं था। आने वाले कल में पर्यटकों के लिए बहुत खूबसूरत जगह होने वाला, और ख़ास करके मैं यूट्यूबरों के और टिकटॉक क्रिएटर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा इस जगह पर आएँ। काफ़ी खूबसूरत आपको ये पैलेस है, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सीन आपको देखने के लिए मिलेगा, एकदम फिल्मी दुनिया जैसा सीन यहाँ पे आपको दिखेगा। अब देख पा रहे हैं मुझे, तो मैं खास करके यूट्यूबरों से बोलना चाहूँगा कि इस जगह पर आप मिस ना करें। यहाँ की तस्वीरें जो आपको दिखाऊँगा काफ़ी रोचक है, देखिए इसकी खूबसूरती देखिए। ये देखने से ही लगता है हम लोग नालंदा के वह उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ बुद्ध की नगरी। पीछे शायद बहुत खूबसूरत सा कुछ बनाया जा रहा है, पता नहीं आने वाले कल में क्या हो, लेकिन आप देख लें शायद ये बच्चों के लिए कुछ स्पेशल हो। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी खूबसूरत सीन है, और ये देखिए पीछे देखिए। मैं बार बार आपसे बातें कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही है खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बच्चों के लिए एक स्पेशल राइड करने के लिए एक जगह बनाया गया है। आज तक जो भी देखा है, हालाँकि ये बंद है अभी, अभी खोला नहीं गया है। यहाँ से बच्चे ऊपर जाएंगे और बहुत लंबा सफ़र करके आएंगे, इधर से उतरेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला क्या है बच्चों के लिए। काफ़ी खूबसूरत देखिए कुछ पत्थर का आकृति बनाया गया है, आप देखिए ये शायद शी है ना, इस तरीके की काफ़ी आकृतियाँ हैं मेरे अगल बगल बनाए हुए। आप देख पा रहे होंगे मेरे आसपास चारों तरफ गौर करके देखेंगे तो काफ़ी आपको आकृतियाँ पे दिखाई देगी, और हर कुछ यहाँ पे जो बनाया गया है वो काफ़ी खूबसूरत है। देखिए एक और सामने से कमलेश जी दिखाना चाह रहे थे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत है ना, अगर इसे पेंटिंग किया जाएगा, साथ पेंटिंग किया भी नहीं जा चुकी, ये पत्थर का है, काफ़ी खूबसूरत ये है। और तमाम चीज़ें आप जो मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर, तमाम हर कुछ बच्चों के लिए। अभी कमलेश जी के झूला का मज़ा ले रहे थे, हम लोग झूले के पास जा रहे हैं। ये ब्लॉगिंग काफ़ी आपको पसंद आने वाला है,
आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। झूले के पास बच्चों के लिए काफ़ी खूबसूरत झूला है, है ना। मैं भी कोशिश करूं, है ना, इस झूले पर कमलेश जी देखिए मज़ा ले रहे हैं उसका। ओह माय गॉड, अरे बाद में नहीं नहीं मुझे भी मजा लेना थी, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। देखिए कमलेश जी चलिए स्टार्ट, 1 2 3। देखिए कमलेश जी भी मजा ले रहे हैं झूले का, मैं भी मजा ले रहा हूँ। देखिए मैं भी स्पंज करो अपने पैरों को। देखिए अगर सुबह सुबह यहाँ आया मज़ा आ रहा है, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत कुछ बनाया गया है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, खास करके बच्चों के लिए बनाया गया। देखिए मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी मज़ा ले पा रहे हैं, पीछे आप देख पा रहे हैं, है ना, बच्चे जो भी आए हैं उनके साथ लोग काफ़ी मज़ा, खासकर उन बच्चों को बहुत मज़ा देगा जो घूमने के शौकीन है और इस पार्क में आने के बाद उन्हें काफ़ी इन्जॉय कर। लोग इस पूरे पार्क को घूम लिए हैं और यहाँ से हम लोग फिर वही रास्ते से निकलेंगे जहाँ से हम लोग आए थे, एंट्री किए थे। पीछे अभी भी काफ़ी इन्जॉय लोग कर रहे हैं, आप पीछे देख पा रहे हैं, है ना, काफ़ी मज़ा आया। देखे पीछे है ना, काफ़ी यहाँ के देख रेख करने वाले हैं, काफ़ी लोग पर चिल्ला रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो भी व्यवस्था बनाया गया था बच्चों के लिए पर यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो शायद है ना, अच्छा अच्छा है ना। देखिए पीछे हमारे भाई साहब, कहाँ से भाई साहब आप, निकले हैं लोकल कहीं? अरे भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब, और कैसे हैं वहाँ पे, सब ठीक है? चलिए ग्लास ब्रिज घूम लिए, ओह तो कैसा लगा वहाँ पे? अच्छा लगा, है ना। हम लोग तो आज गए थे पर टिकट नहीं मिल पाया हम लोग को, है ना, जंगल सफारी, टिकट नहीं मिल पाया, हम लोग वापस आए यहाँ से निकल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आया। अभी टोटली इसका वर्क चल ही रहा है, आप देख पा रहे होंगे मुझे पीछे, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी भी इसमें बनानी बाकी है। ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज के माध्यम से हम लोग फिर वेनबोन में पहुँच जाएंगे और फाइनली शायद यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, दूर से है ना, दूर से है, और फाइनली हम लोग फिर उसी जगह पहुँच गए जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, आप देख पा रहे हो उसी सीढ़ी से हम लोग फिर ऊपर जाएंगे और फिर फाइनली हम लोग अब अपने जगह पर चलेंगे और फिर बेलवन कुछ सीन मैं आपको दूंगा। फाइनली हम लोग फिर से ब्रिज के माध्यम से उस तरफ जाएंगे। बस काफ़ी पर्यटक यहाँ पे तो नहीं है पर आने वाले कल में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते होंगे क्योंकि जिस सुंदरता के साथ इसे बनाया गया है काफ़ी बेहतरीन है। आप जो भी हैं खासकर अगर नाइट में आए तो इसका मज़ा हमें लगता और है, शायद नाइट में खुला रहे तब, क्योंकि चारों तरफ लाइट लगा हुआ है और रात्रि में इसकी खूबसूरती बहुत ही बेहतरीन होगी। और कमलेश जी थक चुके हैं क्या? हम लोग फाइनली फिर से उसी ब्रिज के पास पहुंचे हैं जहां से हम लोग गए थे, नीचे से आप देखते हैं नीचे से रास्ता गया हुआ और ये रास्ता इस दोनों पार्क को पार्क के बीच से डिवाइड किया हुआ है, दोनों तरफ बाउंड्री है, यहाँ से कोई लोग आ जा नहीं सकते पर जो लोग पार्क में एंट्री किए हैं वो इस ब्रिज के माध्यम से उस पार्क तक जा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन रहा मेरा ये सफ़र और ख़ास करके इधर की खूबसूरती तो कहीं नहीं जा रही, क्या खूबसूरती है मनाई है। खासकर मैं धन्यवाद दूंगा आज के हमारे सरकार को जिन्होंने इस तरह की सुंदरता को बिहार में बना रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आएंगे शायद उन्हें जाने के यहाँ से दिल ना करें, इतनी खूबसूरती है इस जगह पर। मैं आपको फिर से उस जगह पर लेकर चलूँगा, मैं वहाँ पर जा नहीं पाया था इस वीडियो में। इस तरह की अच्छी चीज़ आपको होटलों में देखने के लिए, बड़े बड़े होटलों में देखने के लिए मिलता है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे झरना बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं पीछे मुझे एक खूबसूरत झरना बनाया गया है, बेनू बेन में ही आता है और इसकी रखरखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है हमारे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, तो आने वाले कल में काफ़ी खूबसूरत एरिया ये बनने वाला है। और मैं तमाम यूट्यूबरों से कहना चाहूँगा कि जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं खासकर बेनू वन ज़रूर आएँ, क्योंकि इस वन की खूबसूरती पूरे विश्व तक, पूरे भारत तक ये फैलनी चाहिए कि इस तरह का खूबसूरती हमारे बिहार में खासकर राजगीर में। इस वन से बाहर जा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पे आती है, जैसे लग रहा है मैं काफ़ी ज़बरदस्त लाइटिंग का व्यवस्था देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है ना सामने। अब हम वहाँ से बाहर निकलेंगे, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे।